नमस्ते ब्रजेशारी, वीडियो आपका स्वागत है। आज मैं आपको दिखाऊंगा जो सिंगल वे हाईवे होते हैं अपने गांव वगैरह के, नॉर्मल जो सिंगल हाईवे होते हैं, पहले सिंगल जो हाईवे थे उसके बारे में आपको ट्यूबलेस चलाना सिखाऊंगा, क्योंकि मैं आज अपनी स्कूटी पर हूँ। आपको दिखा देता हूँ, मैं अपनी स्कूटी पर हूँ, ये आप देख सकते हैं, मैं अपनी स्कूटी पर हूँ आज। ठीक है, आज मैं आपको दिखाऊँगा ट्यूबलर वाले कार ट्यूबलर चलाते समय क्या गलती करते हैं और क्या गलती नहीं करते हैं। ठीक है, चलिए मैं गाड़ी स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले ये स्टार्ट की, और एक मेरे पीछे टू व्हीलर आ रही है और सामने टू व्हीलर भी आ रही है। देखो ये कितनी गलती कर रहा है बंदा कि अपनी अपनी साइड पे ना चलते हुए दूसरी साइड पे चल रहा है। ठीक है, चलिए मैं अपनी भी स्टार्ट करता हूँ और चलाता हूँ गाड़ी। ठीक है, मैं सिंगल हाथ से गाड़ी चला रहा हूँ, प्लीज़ माइंड मत करना। और वीडियो पसंद आ जाए चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे कि चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। चलो जी, देखिए बंदा भी गलत आ रहा है थोड़ा सा। चल ठीक है, आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसे कि मैं चल रहा हूँ तो आपको चलना चाहिए इस जगह पर। हालांकि टू व्हीलर आप चलाते हैं कोई दिक्कत नहीं है, और आप नॉर्मल स्पीड पे ही चलिए, 40-50 की स्पीड में टू व्हीलर से चलिए चलिए। देखिए अभी मैं चल रहा हूँ, अभी तो मैं 20 की स्पीड में ही चल रहा हूँ। ठीक है, अब मैं आपको पीछे एक और आ रही टू व्हीलर तो उसको दिखाता हूँ वो क्या से चल रहा है। देखो मेरी क्रॉसिंग ली इसने, क्रॉसिंग बंदे ने सही ली है और ये सही लाइन पर अपनी पे आ गया। जैसे कि कई टू व्हीलर वगैरह वाला आता है, कार वाला आता है तो कार वाले में दिक्कत आती है। आप देख सकते हैं कि कितनी दिक्कत आएगी। अब मैं आप यहाँ पे चलोगे, जैसे कि आप यहाँ पे चलोगे तो यहाँ पे चलने के बाद में क्या दिक्कत आएगी कि कोई टू व्हीलर वाला आता है, कार वाला आता है, तो यहाँ से भी दिक्कत आपको और इधर से भी दिक्कत। तो आपको चलना चाहिए इधर पर, यहाँ पर। ठीक है, जैसे कार वाला आ रहा है तो कार वाला आ रहा है एकदम रॉन्ग साइड में नहीं चल रहा है, सही चल रहा है बेचारा। ठीक है, तो ये चीज़ें और कुछ नहीं है, समझ रहे हैं आप लोग। मैं आपसे यही समझाना चाह रहा हूँ कि आप नेशनल हाईवे पे भी चलें या एक्सप्रेस हाईवे पे चलें। देखो ये टू व्हीलर वाला आ रहा है, ये अपनी सही साइड पे आ रहा है, देख सकते हैं आप, बिल्कुल प्यारी जगह पे चल रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, मैं आपको बताऊँ। अब जैसे कि मैं तो सही चल ही रहा हूँ, और सबसे पहले आप रोडों का ध्यान दें, जैसे कि ये पेट्रोल पम्प है इनका सबसे ज़्यादा ज़रूर ध्यान दें। बोर्ड लगे हुए हैं रोड के अंदर, वो ध्यान दिया करें। जैसे टू व्हीलर वाला आ रहा है तो ये सबसे पहले ध्यान दिया करें। ठीक है, तो बस यही मेरी वीडियो, ही पेट्रोल पंप है आप देख सकते हैं। साइड से चलें, धीरे चलें और प्यार से चलें। ठीक है, बस यही मेरी वीडियो है। प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, क्योंकि आप इंडिया बढ़ते समय एक्सीडेंट ज़्यादा होते हैं, टू व्हीलर से भी होते हैं, कार से भी होते हैं, कई ओवर स्पीड से होते हैं। ठीक है, कोई रॉन्ग साइड से चलते हैं उसके लिए होते हैं, कोई जल्दबाजी करता है उसके लिए एक्सीडेंट हो जाते हैं। मैं आप लोग निवेदन करता हूँ, प्लीज़ आप सेफ चलें, धीरे चलें, आपकी फैमिली आपका इंतजार करती है। ठीक है, हमारा कोई बंदा बाहर जा रहा है, बंदा है बंदी, लड़कियों से भी निवेदन है कि आप सीट कार चलाते सीट जरूर पहने। और लड़कियों से एक बार और फिर निवेदन करता हूँ कि आप टूबर चलाते हेलमेट ज़रूर पहनिए। ठीक है, अब जैसे ये बंदा आ रहा है, इस चल रहा है, देख सकते हैं, देखो कैसे चल रहा है। भैया ने मुझे समझाया कि भाई आराम चल ले, कोई दिक्कत नहीं, मोबाइल की तरफ ध्यान ना दे। तो मैं माफ़ी चाहता हूँ कि मोबाइल की तरफ मेरा ध्यान था, इन भैया ने मुझे समझाया था, प्लीज़। सो थैंक्स यू ब्रदर कि आपने मुझे समझाया है। ठीक है, और आप लोग भी ध्यान दिया करें कि आप हाईवे चलते समय मोबाइल यूज़ ना करें, ना कि ईयरफोन भी ना लगाया करें कभी कोई दिक्कत। मैं ईयरफोन लगा के बात भी नहीं करता। ठीक है, और हेलमेट ज़रूर चलें और सीट बेल्ट ज़रूर चलें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो आपके मतलब की वीडियो, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा लें। थैंक यू सो मच, प्लीज़ लाइक तो कर ही देना भाई। देखो ये बंदा जा रहा है, स्कूटी वाला कितना रॉन्ग जा रहा है। ठीक है, बहुत रॉन्ग बंदा निकल के गया है, मेरा ना हॉर्न दिया ना कुछ दिया। ठीक है, बस थैंक यू सो मच।